तक हम देख चुके थे और वर्किंग, इसको शायद इस फोल्डर का नाम होना चाहिए वर्किंग विद टेम्पलेट होना चाहिए, ठीक है। टेम्पलेट में हमने ये डिस्कस किया था कि आप वेबसाइट का टेम्पलेट जब सर्च करेंगे तो आप उसमें लिख सकते हैं कि HTML5 टेम्पलेट, तो वो प्लेन HTML5 का टेम्पलेट मिलेगा आपको। आप उसमें लिख सकते हैं बूटस्ट्रैप साथ में किसी फ्रेमवर्क का नाम, तो उस फ्रेमवर्क पे बना हुआ टेम्पलेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो गो के उस फ्रेमवर्क में फिर वो एडवांस चीज़ें भी की हुई होती हैं, तो उस फ्रेमवर्क की अच्छी से आपको समझ होनी चाहिए जब भी उस टेम्पलेट पे आप काम कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जैसे रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है, वो CSS का फ्रेमवर्क नहीं है, रिएक्ट इटसेल्फ एक फ्रंट एंड बनाने का फ्रेमवर्क है जिसमें आप कोड HTML में नहीं लिखते हैं, उसमें आप कोड लिखते हैं JSX में, जो रिएक्ट स्पेसिफिक एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह वो फ्यूचर में पढ़ेंगे आप, तो वो आप टेम्पलेट सर्च करते हुए कह सकते हैं रिएक्ट का टेम्पलेट, तो रिएक्ट पे बना हुआ टेम्पलेट होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप साथ में उसके ये मेंशन कर सकते हैं कि भाई हेयर ड्रेसर की वेबसाइट, तो आप ये लिखेंगे कि हेयर ड्रेसर वेबसाइट टेम्पलेट HTML5, तो HTML5 पे बना हुआ हेयर ड्रेसर के टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। तो हज़ारों लाखों की तादाद में इंटरनेट पे ये टेम्पलेट्स मौजूद हैं जिनको आप सर्च कर सकते हैं, और इससे आपका काम जो है वो तेज़ हो जाता है, आसान हो जाता है। अच्छा, आज हम जावास्क्रिप्ट शुरू करनी थी हमें, लेकिन एक छोटा सा लास्ट जो टॉपिक है ना वो डिस्कस करके आइकन्स वाला, फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं और हम जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ 14 आइकन्स, ठीक है, या बल्कि इसको मैं बोलूँगा फॉन्ट आइकन्स। अच्छा, ये आइकन की ना एक नई किस्म है जो आजकल इस्तेमाल की जा रही है, जिसको हम कहते हैं फॉन्ट आइकन्स। अच्छा, क्या है ये फॉन्ट आइकन? हम सबसे पहले चल जाते हैं बूटस्ट्रैप आइकन्स में, क्योंकि लास्ट हम बूटस्ट्रैप पढ़ रहे थे, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप का ही एक पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप आइकन्स कहते हैं। अच्छा, क्या लिखा है इन्होंने, फ्री हाई क्वालिटी ओपन सोर्स आइकन लाइब्रेरी विथ ओवर 1800 आइकन्स, इंक्लूड देम एनीवेयर यू लाइक, SVG स्प्राइट, वेब फॉन्ट, use them with or without bootstrap in any project। इसका ताल्लुक इन्होंने लिखा कि भाई bootstrap से नहीं है, ये एक सेपरेट प्रोडक्ट है। ये फॉन्ट देता है आपको 1800 से ज़्यादा फॉन्ट, इसमें 1800 से ज़्यादा आइकन इसमें मौजूद हैं, फॉन्ट गलती से कह गया मैं, और आप इसको जैसे चाहे आप यूज़ करें। अच्छा, जैसे चाहे यूज़ करें का मतलब ये नीचे फॉन्ट सारे मौजूद हैं। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, इसमें मेल का फॉन्ट सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है। ये एनवलप आ गया, ये एनवलप एट आ गया, एनवलप फिल आ गया, अलग अलग तरह के एनवलप्स देखो आ गए मेरे पास, ठीक है। एनवलप ओपन करके आ गया, अब इसको मैंने ओपन किया तो ये एक जो सामने आपको दिख रही है ये एक फाइल है, ठीक है, ये एक SVG फाइल है मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा, आगे चलते हैं, ये देखो बटन पे लगा कर भी दिखाया है इसने कि हेडिंग के साथ और बटन के साथ ये लगेगा कैसा, दिखने में ये कैसा फील होगा। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप इस तरफ देखें तो ये SVG इसने दिया हुआ है, ठीक है। SVG फाइल, जैसा कि आपको पता है कि एक वेक्टर इमेज होती है SVG फाइल, तो वेक्टर इमेज जी अभी भेज दो, तो वेक्टर इमेज के अंदर जो है वो पिक्सल्स तो नहीं होते, वो पाथ होता है, कुछ लाइंस होती हैं, कुछ रेडियस होता है, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं असल में, तो ये वो ज्योमेट्रिकल शेप्स लिखी हुई हैं। अब इस नाम से आप एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे और उसका एक्सटेंशन .txt की जगह ना .svg कर देंगे, तो ये svg इमेज इस तरह से होती है। इसको आप कॉपी करके डायरेक्ट HTML पे भी पेस्ट करेंगे तो भी svg इमेज उसको समझ लेता है ये। अच्छा, उसके अलावा आप ऐसे करके जो है ना इसको ऐसे करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम मोस्ट प्रॉब्ली इसको svg करके नहीं लगाएंगे, हम इसको फॉन्ट के तौर पर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये फॉन्ट आइकन जो है ये क्या वाला है, नॉर्मल आइकन से ये कैसे डिफरेंट है? फॉन्ट आइकन ये ऐसे डिफरेंट है कि एक तो आइकन हो सकती थी इमेज, जो कि पहले होती थी, आज से कुछ अरसे पहले तक यानी 10-15 साल पहले जो आइकन्स का इस्तेमाल होता था कि कोई बटन है उस पर कोई शेप बना हुआ है कोई आइकन, तो उसके लिए JPG इमेजेस इस्तेमाल होती थी। फिर इन्होंने कहा नहीं यार, ये JPG इमेजेस नहीं, इसको आप कर दें PNG इमेज, ताकि वो बैकग्राउंड उसका ट्रांसपेरेंट वगैरह हो जाए, तो वो PNG इमेज फिर बड़े अरसे तक इस्तेमाल होती रही। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया
कि लोगों ने रियलाइज़ किया कि जो आइकन है ना उसका ताल्लुक फॉन्ट के साथ बड़ा गहरा है। मिसाल के तौर पे अगर एक बटन पे आप यहाँ पे देखेंगे कि एक बटन के ऊपर अगर ये एनवलप बना हुआ है तो अगर बटन पे टेक्स्ट जिस साइज़ का है ना आइकन हमें उसी साइज़ का चाहिए होता है। अच्छा ऊपर देखें हेडिंग के साथ सेम आइकन है लेकिन थोड़े बड़े साइज़ में हेडिंग के साइज़ में। तो आमतौर पर हमें क्या चाहिए होता है, फॉन्ट जिस साइज़ का होता है ना आइकन भी हमें उसी साइज़ का चाहिए होता है। अच्छा तो इसका मतलब है कि फॉन्ट का साइज़ अगर हम बढ़ाते हैं तो आइकन का साइज़ खुद ही बढ़ जाना चाहिए, या हम आइकन का भी साइज़ फॉन्ट को जो दिया है सेम साइज़ इसको भी दे दें। अच्छा तो इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कर तो ये इमेज में भी सकते हैं, PNG JPG इमेज में भी हम ये कर सकते हैं कि जो उसको साइज़ दिया वही उसको साइज़ दे दें, मगर फिर लाइन हाइट, कैरेक्टर में जो डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें, तो इन ये सारी चीज़ें जब ही पॉसिबल होंगी जब फॉन्ट इसको यानी कि आइकन को एज अ फॉन्ट कंसिडर किया जाए। तो जब इसको आप इंस्टॉल करते हैं जो फॉन्ट आइकन जिन्होंने बोला हुआ है, ठीक है, ये इन्होंने बोला था ना जैसे भी चाहो इस्तेमाल करो, फॉन्ट के तौर पे भी कर सकते हैं, इन्होंने ये बोला था। बैग अगर हम करेंगे तो इन्होंने बोला जैसे चाहो इस्तेमाल करो, SVG कर लो, SVG स्प्राइट कर लो, वेब फॉन्ट कर लो, तो वेब फॉन्ट हम यूज़ करेंगे, ये आजकल रिकमेंडेड चल रहा है मार्केट में। तो इस तरह करके जब हम करते हैं तो हमें ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, मतलब चार आइकन लगे हुए तो उन चारों में डिस्टेंस वो फॉन्ट की तरह से हम उसको डील कर रहे होते हैं। अच्छा हाँ, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, बिल्कुल इन्होंने इंस्टॉल करना NPM से बताया हुआ है। वेल अभी आपने NPM नहीं पढ़ा है, जी मैं भी भेज देता हूँ, अभी आपने ये NPM तो नहीं पढ़ा, तो अभी हमें CDN इसका निकालना होगा, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं इस वेबसाइट पे इन्होंने CDN डिफाइन किया हुआ होगा, वो CDN जो होगा वो मोस्ट प्रोबली एक CSS की फाइल होगी, ठीक है। आपको पता है वो फॉन्ट वगैरह सारे CSS की फाइल के अंदर, वो पहले से उन्होंने लगा के एक CSS की फाइल ना बना के आपको दी हुई होती है, उसमें क्लासेस डिफाइंड होती हैं सारी। बूटस्ट्रैप क्योंकि क्लास के ऊपर चलता है तो ये भी टोटली क्लास पर डिपेंड करके चल रहा होता है, ठीक है। तो अभी आप लोग सब नमाज़ पढ़ के आ जाएं, फिर ये वापस आके हम इसका CDN लगा के और इसको पेज पे लगा के चेक करते हैं, फिर हम जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे। मैंने क्या किया, एक फोल्डर बना लिया है यहाँ पर फॉन्ट आइकन्स के नाम से, और उसमें एक index.html की फाइल बनाकर उसमें बेसिक HTML लिखा है और यहाँ पे CDN इसका अटैच कर दिया है, ठीक है। सब लोगों को नज़र आ रहा है? अच्छा, ये CDN का लिंक इसमें मैंने अटैच कर दिया है। अच्छा, ये लिंक अटैच करते ही आपके जो पेज पे जो HTML का पेज होगा आपका, उस पर ये फॉन्ट अवेलेबल हो जाएंगे, ये फॉन्ट आइकन्स जो हैं ये अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, फिर आपने इसको लगाना कैसे, आपने ऐसे करके लगाना है, ठीक है। गो लाइव का बटन दबाता हूँ ताकि ये पेज ओपन हो जाए। अच्छा, ये देखें, ये आप ओपन हो गया ये, और ये छोटा सा यहाँ पे नज़र आ गया। अच्छा, इस वक्त इसका साइज़ क्या है, ये कितने साइज़ का नज़र आ रहा है, 16 पिक्सल का नज़र आ रहा है आपको ये, ठीक है, क्योंकि बॉडी का जो टेक्स्ट का साइज़ होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 16 पिक्सल होता है। अच्छा, हम ज़रा डॉक्यूमेंट में एक ज़रा नज़र डाल लेते हैं। ये जिस वेबसाइट पे हम, ये वाली वेबसाइट जो है इसमें बिल्कुल लास्ट में जाके इंस्टॉल का यहाँ पे ना एक वो दिया हुआ है, यहाँ पे लिंक्स लगे हुए हैं इसके, तो मैं सीधा यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये स्क्रॉल करके यहाँ लेकर चला जाता है नीचे इंस्टॉल वाली जगह पर। तीन तरीके हैं इंस्टॉल करने के, पैकेज मैनेजर वो भी हमने डिस्कस नहीं किया, डाउनलोड कर सकते हैं तो ये CSS की फाइल डाउनलोड करके दे देगा, आप उसको अटैच कर लें। नंबर 3 CDN है, तो मैंने फ़िलहाल CDN इस्तेमाल कर लिया, ये तीनों तरीके सही हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है, तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यूजेज, अब यूजेज इसका जो है ना, बूटस्ट्रैप आइकन्स आर SVG इमेजेस। SVG इमेज, जैसा कि आपको पता है, पिक्सल विक्सल होते नहीं है उसमें, शेप्स होती हैं, वो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, उसको जितना बड़ा कर लो छोटा कर लो वो फटती नहीं है इमेज, हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ज़रा रिमाइंड करवा रहा हूँ। तो सो यू कैन इंक्लूड देम इन योर HTML इन अ फ्यू वे डिपेंडिंग ऑन हाउ योर प्रोजेक्ट इज सेटअप, ठीक है। कैसे आपका प्रोजेक्ट सेटअप हुआ हुआ है, डिपेंडिंग ऑन दैट आप इसको मुख्तलिफ तरीके से अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं। वी रेकमेंड यूजिंग विड्थ 1 em एंड ऑप्शनली हाइट 1 em, सो ईजी टू रीसाइज वाया फॉन्ट साइज़। कह रहे हैं कि हम तो कहते हैं कि उसको एज अ फॉन्ट इस्तेमाल करें आप, ताकि फॉन्ट साइज़ जैसे आप चेंज करें तो फॉन्ट का साइज़ चेंज हो जाए। अच्छा, तो वेल, तो सबसे पहला तरीका है एम्बेडेड, जो कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये SVG का टैग है, एज अ SVG इमेज इसको आप लगाते हैं तो फिर आपको पिक्सल में इसकी हाइट विड्थ जैसे एक इमेज को देते हैं वो देनी पड़ती है। अच्छा, स्प्राइट का क्या चक्कर है, स्प्राइट का चक्कर ये है कि SVG जो है ना, इसके अंदर एक SVG का टैग होता है और एक उसके अंदर जो है वो पाथ होता है उसका,
ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि SVG आप अपने हाथ से लिख लो, अंदर का जो सिर्फ आइटम है ना वो आप हमसे ले लो, हमारे फाइल से, ठीक है, हम ये भी काम नहीं करेंगे अब, ठीक है, मुश्किल तरीके हैं ये। अच्छा, एक्सटर्नल इमेज, क्योंकि जैसा कि आपने देखा यहाँ पे इस आइकन पे ना, किसी भी आइकन पे मैं देखो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डाउनलोड SVG का भी ये बटन बना के देता है, मैं क्लिक करता हूँ तो ये एज अ इमेज डाउनलोड हो गई, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड हो गई मेरे पास ये। तो ये कह रहा है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल इमेज के तौर पे भी कर सकते हैं कि डाउनलोड कर करके रख लो सारे जो जो आइकन चाहिए और उसको इस्तेमाल कर लो, लेकिन ये वाला तरीका शायद हमारे लिए उस वक्त बेनिफिशेंट होगा जब हमें 2-4 आइकन्स ही चाहिए पूरी वेबसाइट में, ठीक है, लेकिन जब मुझे मैसिव क्वांटिटी में चाहिए होगा तो एक एक करके डाउनलोड करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। फिर उसको कीप ट्रैक रखना कि मैंने कहाँ से डाउनलोड किया था और वो कैसे किया था, बेहतर ये है कि हम लाइब्रेरी के थ्रू उसको यूज़ करें। अच्छा, ये एक तरीका है इसको फॉन्ट आइकन वाला, कि आइकन को एज अ फॉन्ट इस्तेमाल किया जाए, ये सबसे आसान है और इन्होंने डॉक्यूमेंट में इसको ही सबसे ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है। और इस ये वाला जो तरीका है, जितने भी फॉन्ट की इस वक्त लाइब्रेरीज हैं उन सब में ये तरीका जो है वो काफ़ी पॉपुलर है और सब लोग इसको सपोर्ट करते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, ऐसे करके लगाते हैं और एज अ फॉन्ट जो है ये डिस्प्ले हो जाता है स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, क्या लिखा है इसके बारे में, फॉन्ट आइकन विथ क्लासेस फॉर एवरी आइकन आर ऑल्सो इंक्लूडेड फॉर बूटस्ट्रैप आइकन्स, इंक्लूड द आइकन वेब फॉन्ट इन योर पेज वाया CSS, देन रेफरेंस द क्लास नेम नीडेड इन योर HTML, ठीक है। इसने मतलब ये इस लाइन को अंग्रेजी में लिखा है कि आप ये क्या करो कि आई का टैग लगाओ आप और उसके बाद आप क्लास बता दो कि आइकन लाना कौन सा है इसके अंदर। अच्छा, यूज फॉन्ट साइज एंड कलर, कलर से क्या होता है, फॉन्ट का कलर चेंज होता है, टू चेंज द आइकन अपेयरेंस, कह रहा है साइज चेंज होगा आप फॉन्ट साइज से ऐसे लगाया तो, और कलर से जो है वो फॉन्ट का भी कलर चेंज होगा, टेक्स्ट का जो कलर होगा वो, यानी टेक्स्ट के तरीके से आप इसको सेटिंग करेंगे। नहीं नहीं, इस क्लास को इस्तेमाल करके नहीं, मिसाल के तौर पे आपने ये लगा दिया ना इसमें बाई अलार्म, BI अलार्म एक आइकन है वो लगा दिया आपने, अभी मिसाल के तौर पे आप इसको करना है रेड, तो आप इसको स्पेस देके एक और क्लास दे देंगे अपनी मर्जी की और उस क्लास में जाके आप लिखेंगे भाई साइज इतना हो जाए, कलर इतना हो जाए, चेंज हो जाएगा वो। अभी हम इसको लगा के देखते हैं। अच्छा, अब ये एक तो तरीका हो गया फॉन्ट आइकन, अब एक तरीका और है कि प्योर CSS में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। प्योर CSS में इस्तेमाल करने के लिए आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी में ये इन्होंने बताया हुआ है कि SVG कैसे लगाना होता है, ऐसे ये हम तरीका नहीं करेंगे, सही है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिफ़िकल्ट तरीका। अच्छा, अब बात हो रही है स्टाइलिंग की, ये यूजेज ऊपर ख़त्म हो गया, वो 4-5 तरीके जो थे उन्होंने बता दिए, हम तरीका इस्तेमाल करेंगे फॉन्ट आइकन वाला। अच्छा, स्टाइलिंग, कलर कैन बी चेंज बाय सेटिंग टेक्स्ट और क्लास। अच्छा, अब ये लेकिन ये फॉन्ट आइकन वाले का कलर नहीं बता रहा, वो उसने यहीं बोल के ख़त्म कर दिया कि भाई कलर और साइज ऐसे चेंज होता है, दैट्स इट, ख़त्म हो गई बात। ये स्टाइलिंग कौन से वाले तरीके की बता रहा है, जब इसको SVG करके इस्तेमाल करेंगे जब वाले तरीके की बता रहा है, तो ये स्टाइलिंग हमारे लिए नहीं है अगर हम वो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं फॉन्ट आइकन वाला तो। अच्छा, एक्सेसिबिलिटी की कुछ बात कर रहा है, लेकिन ये जब कर रहा है जब एक्सटर्नल इमेज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे आप, तो आपको क्या करना होगा, इसको अल्टरनेट टेक्स्ट देना होगा एक, सही है, क्योंकि इमेज में अल्टरनेट टेक्स्ट होता है, स्क्रीन रीडर जब उसको पढ़ेगा तो अल्टरनेट टेक्स्ट उसको चाहिए होता है। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर फॉर प्योरली डेकोरेटिव आइकन्स, डेकोरेटिव आइकन क्या होते हैं, जो सिर्फ खूबसूरती के लिए लगे हुए हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने लाइन से ऊपर ऐसे लाइन से हार्ट शेप के आइकन बना दिए इस कोने से उस कोने तक, तो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ प्योरली डेकोरेटिव, उसका कोई मतलब नहीं है, उस पर क्लिक नहीं हो रहा, उस पर कुछ नहीं हो रहा, कोई बटन के ऊपर नहीं बना हुआ वो, दैट इज़ प्योरली डेकोरेटिव। तो क्या होगा कि उस पर आप क्या करेंगे, आर्या डैश हिडन को ट्रू करेंगे, ठीक है, आर्या हिडन करने से क्या होता है कि जब वो स्क्रीन रीडर वहाँ पर आएगा तो उस इमेज को क्या करेगा, उसको वो समझ लेगा कि ये हिडन है, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ये चीज़ हिडन है, वो उनके लिए जिनको नज़र आता है और डेकोरेटिव है, ठीक है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। अच्छा, तो या तो आप देंगे इसको अल्टरनेट टेक्स्ट और या आप देंगे आर्या हिडन ट्रू। अच्छा, इसी तरह अगर आप ये एक्सटर्नल इमेज के तौर पे यूज़ नहीं कर रहे, SVG के तौर पे यूज़ कर रहे हैं जो हम नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर आर्या लेबल आप प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इमेज में तो अल्टरनेट टेक्स्ट होता है ना, बाकी जो कंपोनेंट हैं उसमें तो अल्टरनेट टेक्स्ट तो नहीं होता, तो उसके अंदर होता है आर्या लेबल कि जब स्क्रीन रीडर यहाँ पहुँचेगा तो इसको क्या पढ़े वो, क्या बोले उसको, तो आर्या लेबल इसने देखो टूल्स लगाया, ठीक है, कि जब स्क्रीन रीडर वहाँ पर आया तो वो उसको समझे, वो टूल्स उसको पढ़ के बताया।
अच्छा, इसी तरीके से अगर SVG के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर भी आर्या हिडन ट्रू किया जा सकता है, ठीक है। जैसे इमेज पे अगर आपने अल्टरनेट टेक्स्ट नहीं लगाना तो आप आर्या हिडन ट्रू कर देंगे, इसी तरीके से किसी दूसरे एलिमेंट को भी अगर आप चाहते हैं कि उसको रीड ना किया जाए तो आर्या हिडन आप ट्रू कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये वर्किंग विद SVG के बारे में कुछ मजीद बात बताई जा रही है कि SVG रिसीव्स फोकस बाई डिफॉल्ट इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब ये फोकस क्या चीज़ होती है पता है किसी को? जैसे देखो मैं स्क्रीन पे खड़ा हूँ ना मैं, और मैं दबाऊंगा टैब का बटन, तो ये जो चीज़ आई है ना इसके ऊपर, दिस इज़ कॉल्ड फोकस। अच्छा, एक और, अब अगली दफ़ा टैब दबाऊंगा तो ये फोकस नेक्स्ट जो भी अवेलेबल था ना मेरे टैब सीक्वेंस में वहाँ चला जाएगा। अगर आप किसी HTML फॉर्म के अंदर हैं तो पहले टेक्स्ट बॉक्स से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में आपको ये ले जाता है, ठीक है। तो ये फोकस आमतौर पर उन चीज़ों पर जा रहा होता है जो क्लिकेबल है। अभी मैं स्पेस का बटन दबाऊंगा या एंटर का बटन दबाऊंगा तो इस पर क्लिक हो जाएगा, ठीक है। ये कीबोर्ड के जरिए कंप्यूटर इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि टैब से आप जाते हैं वहाँ पे और स्पेस या एंटर दबाते हैं तो वो क्लिक हो जाता है। वो कह रहा है कि SVG इमेज पे भी ना ये फोकस जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, किस पे? इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर, जो लेगेसी जो एक्सप्लोरर की हमारी जो है ना ब्राउजर्स हैं, जो भी कह लो उसको, तो उससे बचना है अगर आपको तो आप क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा फोकसेबल फॉल्स। लेकिन ये किस सूरत में? जब आप SVG के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। हम फॉन्ट आइकन करके करेंगे उसमें ये मसला नहीं है। हाँ, फॉन्ट आइकन करने से फोकस नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे टैब दबाऊंगा ना तो देखो ये कुछ नहीं हो रहा, ये ब्राउज़र के ऊपर चला गया, ठीक है। और इसको खोल के चेक करना कि आई लगा के अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पुराना वाला जो है उसको वो होता है विंडोज़ के अंदर बाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ख़त्म नहीं किया उन्होंने अभी भी वो 8 इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 या पता नहीं 10 होता है, एज भी होता है साथ में, वो भी होता है, तो वो करके देख लेना। पुराना वर्जन भी उसमें जाओगे उसकी वेबसाइट पे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो 6 वाला वर्जन है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस वर्जन वाले सेक्शन में जाके, तो वो करके देखना कि क्या होता है। वेल, तो हम आ जाते हैं वापस सीधे और आसान से तरीके पर, ठीक है। अब इन्होंने देखो दो तरीके से इसको यूज़ करके बताया, एक ऐसे करके बताया कि भाई सिंपल क्लास, कोई एडिशनल स्टाइलिंग नहीं। दूसरा इसने बोला कि ऐसे आई करके लगा दिया, क्लास लगा दिया बाई अलार्म और स्टाइल। अच्छा, इनलाइन स्टाइलिंग भी कर सकते हैं आप और क्लास के जरिए भी स्टाइलिंग, एक ही बात है, ठीक है। बेहतर ये कि आप क्लास के जरिए स्टाइलिंग करें, इनलाइन से परहेज़ करें, ठीक है। हम ये तीन तरीके जो स्टाइलिंग के थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं शुरू में ही, कि एक एक्सटर्नल फाइल होती है उसमें क्लासेस बनाते हैं हम, एक इंटरनल फाइल होती है और एक इनलाइन CSS होती है जिसमें सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड एक्सटर्नल फाइल है और उसके अंदर क्लासेस बनी हुई होनी चाहिए। तो इसने इनलाइन करके दिखाया, तो यही सेम काम आप क्लास के जरिए भी कर सकते हैं। अच्छा, तो हम आते हैं, फॉन्ट साइज 2EM किया है इसने, 2REM किया है। अच्छा, REM में और EM में डिफरेंस क्या था ये हम डिस्कस किया था, क्या कोई बता पाएगा कि सिर्फ EM में और REM में क्या डिफरेंस था? एक EM जो होता है वो एक M के बराबर होता है, सही है ये तो बात। REM भी एक EM के बराबर होता है और REM जो होता है वो भी एक M के बराबर होता है, और सिर्फ EM जो होता है वो भी एक M के बराबर होता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस था वो जो हमने देखा था। REM जो होता है वो रूट का जो साइज़ है ना वो देख रहा होता है, यानी बॉडी का जो साइज़ है वो देख रहा होता है, बल जबकि EM जो होता है वो अपने पेरेंट का साइज़ देख रहा होता है कि क्या है, ठीक है। तो अगर आपने REM का इस्तेमाल किया हुआ है तो बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ करेंगे आप तो पूरे पेज का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ऑन अदर हैंड अगर आप EM इस्तेमाल कर रहे हैं तो EM क्या होता है, वो अपने पेरेंट का देख रहा होता है, तो वो हायरार्कियल मैनर में किसी, अगर आपने डिव में साइज़ बड़ा किया हुआ है तो उसमें जो आपको EM मिलेगा वो बड़ा मिलेगा, 1EM बड़ा मिलेगा, किसी और में आपको 1EM छोटा मिलेगा। तो REM करके इसने लिखा है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या सिचुएशन है आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक्सल में भी साइज़ दे सकते हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। REM जो है वो सबसे फेमस है क्योंकि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी आप आगे देखेंगे ना CSS के जो फ्रेमवर्क्स हैं वहाँ पे जब स्टाइलिंग का वो डेमो वगैरह लिखते हैं ना, सैम्पल कोड भी लिखते हैं, वो REM लिखते हैं वहाँ पे ना, REM लिख रहे होते हैं। अच्छा, तो ये स्टाइल जाके मैं क्या कर दूँगा अपने वाले पे भी, यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर दूँगा, तो जो मेरा जो ये कहाँ गया, वो बंद कर दिया क्या मैंने, डिस्पोज करके उसको मैं दोबारा चला देता हूँ, ठीक है जी। तो ये मेरा जो, इसको मैं जूम इन कर रहा हूँ तो थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो गया, ठीक है। ये सेलेक्टेबल भी नहीं है, ये क्लिकेबल भी नहीं है, इस पर फोकस भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ये जस्ट एक सिंपल इसमें जो है ना वो फॉन्ट है इधर जस्ट। अच्छा, एक मैं इसके साथ और आइकन लगा देता हूँ जिसके अंदर मैं
फॉन्ट का साइज 1 rem कर देता हूँ, तो ये 1 rem का आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा कलर इसका मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं इसका कलर कर देता हूँ ये रेड, तो ये उसी कलर में हो गया, ठीक है। तो आइकन्स अब कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहे। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, आपके पास वापस आ जाता हूँ किसी एक आइकन पे, और अगले पेज पे जो ये आइकन, जैसे ये एक क्रॉस का आइकन है, ठीक है, तो आपने जस्ट यहाँ पे आना है, इस पेज के ऊपर आइकन सर्च करना है, कोई आइकन का नाम बताओ, डिलीट का आइकन जैसे एक होता है, यार ये क्या चक्कर है, एक मिनट, ऊपर इनका अपना सर्च बना हुआ है, वहाँ से सर्च करते हैं, यहाँ से DELET डिलीट, सही है। तो ये डिलीट मैंने लिखा है तो ये इतने सारे आइकन आ गए, इसमें बिन का भी है ऑप्शन, इसमें ऐसे फोल्डर डिलीट का भी है, ये सारे आइकन्स आपके पास आ गए, पर्सन पे भी डिलीट, माइनस, क्रॉस, हर तरह के डिलीट के जो आइकन थे ना वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। ट्रैश, ट्रैश फिल, तो मैंने ये ट्रैश वाले को क्या किया, एक नए टैब में ओपन किया, ये इसका कोड लिखा हुआ है, आपने इसको कॉपी किया, जाके पेस्ट किया अपने पास, आपका फॉन्ट आइकन रेडी हो गया। नहीं हाथ से देख के लिख लें आप या कॉपी कर लें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इसमें। नहीं नहीं डाउनलोड क्यों करेंगे, वो CDN लगाया हुआ है ना हमने, ये CDN लगाना जरूरी है, उसके बाद आप ये आई लिखेंगे और दैट्स इट, सही है। डाउनलोड तो करना तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा ना, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, इतने कोड को मैंने कॉपी किया और मैं वापस आया अपने कोड में, और यहाँ पे आके मैंने ये पेस्ट कर दिया, ऐसे ये आइकन मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, ये आइकन देखो डिस्प्ले हो गया। अच्छा अब इस आइकन को बटन के साथ, हेडिंग के साथ आप लगा सकते हैं, मिसाल के तौर पर हेडिंग के साथ अगर मुझे इस आइकन को लगाना है तो मैं कैसे लगाऊँगा, मैं लगाऊंगा H1, ठीक है, डिलीट, और डिलीट से पहले यहां पे लाके मैं ये आइकन पेस्ट कर दूंगा, सही है, ये डिलीट लिखा हुआ गया, सही है। H1 क्योंकि थोड़ा साइज में बड़ा होता है, तो देखो ऑटोमेटिकली H1 के अंदर इसका साइज बड़ा आया है, ठीक है। अच्छा इसी को मुझे अगर किसी बटन के साथ लगाना होगा तो मैं क्या करूंगा, बटन के टैग में मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो ये देखो बटन के ऊपर आ गया। अच्छा अगर यही बटन बूटस्ट्रैप का बटन होगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसी बटन को आके दूंगा क्लास, और क्या देता था मैं इसको, BTN और BTN डैश प्राइमरी, ठीक है, तो ये बूटस्ट्रैप के बटन के अंदर बन के आ जाएगा, नहीं हुआ ऐसा, क्यों नहीं हुआ ऐसा, मेरे पास मेरी फाइल में जो CDN लगा हुआ है वो सिर्फ फॉन्ट का लगा हुआ है, बूटस्ट्रैप का नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, अगर मैं ये बूटस्ट्रैप के बटन के अंदर दिखाना चाहता हूँ तो मुझे बूटस्ट्रैप का बटन भी, यानी बूटस्ट्रैप भी इटसेल्फ इंस्टॉल करना होगा। तो मैंने ये पुराने प्रोजेक्ट में ये बूटस्ट्रैप लगाया था, तो यहाँ से मैं बूटस्ट्रैप का जो CDN है ना, सही है, एक ये लिंक है और एक जावास्क्रिप्ट है, दो चीज़ें हैं ना बूटस्ट्रैप की, और ये एक ये वाला है, तो मैं एक एक करके दोनों को अपने पास ले आता हूँ, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप है, आइकन अलग है, बूटस्ट्रैप अलग है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, जिसको ऐड करोगे वो ऐड हो जाएगा, जिसको नहीं करोगे वो नहीं होगा, ठीक है। ये स्क्रिप्ट भी मैं साथ में लेकर आ जाता हूँ जो इसके लिए चाहिए होती है, बॉडी के लास्ट में हमेशा स्क्रिप्ट को हम लगाते हैं, ठीक है, ये देख लो भाई, ठीक हो गया। अच्छा अभी मिसाल के तौर पर मैं इसका कलर अगर चेंज करता हूँ बटन के ऊपर आके, मैं इस बटन को बोलता हूँ कि भाई प्राइमरी की जगह आप क्या हो जाओ, डेंजर, तो ये देखो बटन का कलर चेंज हो गया, और जो अकॉर्डिंगली इस बटन पे फॉन्ट का जो कलर होता था वो हो गया। अच्छा अब अगर मैं एक्सप्लिसिटली बोलता हूँ इस बटन को कि आपका जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो जाए, ब्लैक हो जाएगा,
ठीक है, टेक्स्ट का कलर बाई डिफॉल्ट वाइट है, तो बटन को मैं जो बोलूँगा ना टेक्स्ट का कलर, क्योंकि टेक्स्ट का जो टेक्स्ट कलर की जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेड है, सही है। अगर मैं बॉडी पे जाके बोलता हूँ कि टेक्स्ट का कलर येलो हो जाए, तो बॉडी के पे ये बोलने की वजह से उसके अंदर मौजूद जितने भी डिव, जितने भी H1 पैराग्राफ है, सबका कलर येलो हो जाएगा। तो अगर मैं इस बटन पे आके बोल दूँ कि आप अपना जो कलर है वो क्या कर लो, येलो कर लो या ब्लू कर लो, ठीक है, तो उसके अंदर मौजूद क्योंकि ये आई लगा हुआ है तो इसका भी कलर ऑटोमेटिकली वही हो जाएगा। तो मैं आके यहाँ पे बोलता हूँ स्टाइल और कलर, और मैं कह देता हूँ इसको कि भाई येलो, सही है। तो आप देखो ये बटन के साथ साथ, बटन का जो अंदर का टेक्स्ट था उसके साथ साथ ये आइकन का भी टेक्स्ट साथ में चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा ये मैं करूँगा नहीं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इस केस में। इसी तरीके से मुझे किसी पैराग्राफ में भी ये चाहिए हो सकता है, तो सिंपल के पैराग्राफ का जो भी टेक्स्ट होगा मेरा, एक पैराग्राफ में एक टेक्स्ट मैं कॉपी करके ले आता हूँ, कहाँ से भला, यहीं से ले आता हूँ। सही है, ये पैराग्राफ में एक टेक्स्ट लेकर आ गया मैं। अब ये मैं चाह रहा हूँ बूट स्ट्रैप आइकन से ना यहाँ पे इस जगह पे बूट स्ट्रैप का लोगो भी बनवा दे, है ना। तो क्या करूँगा मैं उसके लिए, मैं जाके इसको बोलूँगा कि भाई बूट स्ट्रैप का मुझे आइकन दे दो। मैंने कहा कि बूट, सही है, ये बूट स्ट्रैप फिल और बूट स्ट्रैप, ये दो तरह के आइकन आ गए। तो मैंने कहा कि चलो यार ये वाला फ़िलहाल मुझे सही लग रहा है, मैंने इसको कॉपी किया यहाँ पे से आके और इस पैराग्राफ के यहाँ पे शुरू में मैंने ला के लगा दिया। एंटर भी कर सकता हूँ मैं, लाइन चेंज कर सकता हूँ, आपको पता है वाइट स्पेसेस को HTML इग्नोर कर देता है, तो मैं यह लाइन चेंज करूँगा तो वो एक ही बात है, चेंज होगी नहीं लाइन। और यहाँ पे आके मैंने बूटस्ट्रैप का ये लगा दिया लोगो। तो आप देखें ये पैराग्राफ के शुरू में जो है ना, जितना टेक्स्ट का साइज़ था उतना ही साइज़ का लगा गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट जगहों पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्होंने क्या एग्जांपल बताई है, बस तीन तरह के बटन है वो तो आपको पता चली गया। इनपुट ग्रुप अगर बनाते हैं आप, बूटस्ट्रैप का इनपुट ग्रुप है, तो यहाँ पे इस जगह पे आइकन उन्होंने लगाने का ऑप्शन, बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंट, तो ये बूटस्ट्रैप का क्योंकि आइकन है तो इन्होंने मार्केटिंग के लिए ना बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट के साथ साथ इसको लगा के दिखाया। लेकिन इट डजेंट मीन कि आप इसको बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट में ही इस्तेमाल करेंगे, आप इसको किसी भी HTML के कंपोनेंट के साथ आप लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फॉन्ट। जहाँ जहाँ फॉन्ट लग सकता है वहाँ वहाँ ये आइकन लग सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक हम अपने इस फॉन्ट को जो है ना रखते हैं आज। फॉन्ट से मुतालिक या फॉन्ट आइकन से मुतालिक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है अभी। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? वेट भी इसका ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं, करके देख लेते हैं फॉन्ट पे, क्योंकि ये सारे काम होते हैं वेट वाले भी। मैं आता हूँ इस बूटस्ट्रैप के ऊपर, है ना, इस पैराग्राफ पे, इस पैराग्राफ को थोड़ा जूम इन भी कर लेते हैं, और आगे मैं उसको बोलता हूँ कि भाई फॉन्ट और वेट, और मैं कहता हूँ कि भाई 300, 600, नहीं इसका वेट चेंज नहीं हो रहा, 800। अच्छा, वेट चेंज करने के लिए वो हमने फॉन्ट जब डिस्कस कर रहे थे ना उस वक्त हमने ये बात डिस्कस की थी कि ये जो वेट चेंज करते हैं तो वो इंटायरली अलग उसके लिए इमेज होती है जो इस फॉन्ट में शामिल होती है। तो मे बी उस वाले में वो एक ही इमेज है जो एक ही वेट वाली इमेज मौजूद है, तो वेट चेंज करने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मे बी कोई दूसरी लाइब्रेरी ऐसी हो फॉन्ट की जो डिफरेंट वेट के फॉन्ट भी देती हो, मे बी, आई एम नॉट श्योर, सही है, लेकिन इसके अंदर वेट चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इसको। अच्छा जी, तो अब हम शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट हमारी। क्या, कौन सा लिंक? आइकन के ऊपर लिंक या लिंक? ओके, हाँ हाँ, ये रहा ना एंकर टैग, एंकर टैग, सही है। एंकर टैग के अंदर मुझे क्या लिखना होता है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना होता है, तो मैं इसकी जगह ये आइकन लगा सकता हूँ ना, है ना। टेक्स्ट जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट लग सकता है वहाँ आइकन लग सकता है, http://, और कोई भी abcwebsite.com ऐसे करके स्लैश, जो भी आपका लिंक है ये, ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक हो सकता है ये। तो ये लग जाना चाहिए ना इसके ऊपर, ये है ना, जहाँ जहाँ टेक्स्ट लगता है वहाँ वहाँ, मैंने कहा। तो देख लेते हैं लगा के उसको, ठीक है। ये देखो, अब ये बी क्या हो गया, अब क्लिकेबल हो गया। मैं इस बी को क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उठा के कहाँ लेके चला जाता है, इस वेबसाइट पे जो कि एग्जिस्ट करती है यार
ABC.com न्यूज़ है भाई, ABC बहुत बड़ा चैनल है। तो ये बूट अच्छा, ये बिल्कुल दीवार के साथ चपका हुआ रहा है, वो पैडिंग शेडिंग का चक्कर है। आ जाओ बल्कि थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते ना बॉडी को। बॉडी पे मैंने आया स्टाइल लगा के कहा कि पैडिंग जो है आप ले लो 2 EM ले लो, सही है, बल्कि REM बल्कि सही है। थोड़ा सा मैंने उसको दीवार से दूर करने के लिए पैडिंग दे दिया वक्ती तौर पर। तो ये हो गया। अब इसके साथ आप 3, 4, 5 जितने भी आइकन आप लगा दो, फेसबुक इंस्टाग्राम और वो सारे क्लिकेबल हों, सब पे अपना अपना लिंक लगा हुआ होगा। तो है, अरे ये लो भाई लगा के दिखा देता हूँ। और बोलो फेसबुक यूट्यूब बल्कि निकालते हैं ना, सही है। ये देखो यूट्यूब का आइकन आ गया, क्लिक किया मैंने उसके ऊपर, कॉपी किया, यहाँ पे मैं आ गया अपने पास, ठीक है। ये मैंने YouTube का लिंक यहाँ पे वो आइकन लगा दिया। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे अपने चैनल का URL लगाऊंगा, ठीक है, जो भी चैनल है। आ जाओ चलते हैं, सर्च करते हैं चैनल को .com, ऐसे स्टूडियो में चलते हैं ना डायरेक्ट। सही है, कैसे आता है यार इसमें, अबाउट में आता है, अबाउट तो नहीं आ रहा है इसमें, यहाँ से कहीं से आता है। इंटरनेट कुछ स्लो चल रहा है आज, पता नहीं। ये रहा ना योर चैनल, ये आ गया, ये रहा योर चैनल, ये आ गया। इसको मैंने कॉपी किया इस URL को, और इस URL को कॉपी करके मैंने कहाँ पे लगा दिया, इधर लगा दिया। ये क्या आ रहा है चुन्ना मुन्ना सा बीच में? अच्छा वो अंडर स्कोर आता है ना जो एंकर टैग के नीचे, ये वो आ रहा है, वो तो आप हटा दोगे स्टाइल लगा के। सर मैं ये कह रहा था कि इसके अंदर आपने एक क्लास दी हुई है, अब इसको कॉल करवाने के लिए एक और क्लास देनी पड़ेगी। कॉल करवाने के लिए मतलब सीएसएसपी शीट के अंदर एंकर टैग को? जी सर, इसी क्लास से कॉल करना है। एंकर टैग पे तो कोई क्लास नहीं लगा हुआ इस वक्त। आई के ऊपर, हाँ अगर आई का आपने कलर वलर चेंज करना है, कुछ इस तरह का करना है काम, तो आपको इसके ऊपर एक क्लास देनी पड़ेगी। लेकिन इसका प्रॉपर तरीका क्या है? प्रॉपर तरीका ये है कि आप इस एंकर टैग को एक क्लास देंगे, सही है। आप कहेंगे कि सोशल लिंक, सोशल आइकन लिंक, ये देंगे आप क्लासेस को। अच्छा, इस क्लास के ऊपर जाके जब आप कोई स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप बोलेंगे इसको कलर, तो कलर अंदर का खुद ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको बोलेंगे साइज़ फॉन्ट का, तो वो भी अंदर का खुद ही चेंज हो जाएगा। अब तीसरी क्या चीज़ बची आइकन में, तीसरी कौन सी चीज़ होती है? हाँ अच्छा, होवर भी आप इस एंकर टैग को करेंगे, तो होवर एंकर टैग को होगा, एंकर टैग पेरेंट है उसका, तो होवर भी आप इस पर करेंगे। कोई क्लिक होने पे कुछ इवेंट करना है तो वो भी इसी पे करेंगे आप। अंदर टेक्स्ट पे तो कुछ भी, मतलब पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उस पे थोड़ी होवर करते हैं आप, तो पैराग्राफ के एलिमेंट पे होवर करते हैं ना। तो लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि भाई वो काम ना बाकी के टेक्स्ट के साथ नहीं, सिर्फ मिसाल के तौर पर आप के चाहते हैं कि यार ऐसे लिखा हुआ है यूट्यूब, सही है, ऐसे लिखा हुआ है यूं, तो आप चाहते हैं कि यार ये टेक्स्ट के साथ जो है ना मैं कुछ और काम करूं और इस आइकन के साथ मैं कुछ और काम करूं। मिसाल के तौर पे ये आइकन ना इस वक्त ब्लू हो गया क्योंकि एंकर टैग के अंदर जो टेक्स्ट का स्टाइल होता है वो ब्लू होता है ना, तो आप चाहते हैं कि टेक्स्ट का स्टाइल ब्लू ही रहे, सिर्फ आई का स्टाइल चेंज हो जाए। तो यहाँ पर आके ना एक स्टाइल मैं बना के दिखा देता हूँ कि ये होगा कैसे। आपको उस आई के ऊपर क्लास नहीं देनी है, आप कहेंगे डॉट सोशल लिंक ऐसे करके, और आपने सोशल लिंक पे जो भी दे दिया, क्या जो अंडरलाइन ख़त्म होता है वो क्या होता है, वो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, सही है। तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया मैंने इस पे से। ये बूटस्ट्रैप वाले को मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ, सही है, अभी हम सिर्फ एक यूट्यूब वाले को देखते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से वो लाइन गायब हो गई, यूट्यूब के नीचे कोई लाइन नहीं आ रही। अब आप चाहते हैं कि वो टेक्स्ट ब्लू ही रहे, लेकिन ये आइकन जो है ना ये वाला, इसका मैं कलर चेंज करूँ सिर्फ, तो आप यहाँ पे आके बोलेंगे सोशल लिंक ये वाला, उसके अंदर ऐसे करके और आई, है ना, हो जाएगा ना ये। तो ये इसका प्रॉपर तरीका है। तो आई के ऊपर इटसेल्फ आपको क्लास देने की मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम पड़ती है, सही है। तो यहाँ पे आके आई बोला और मैंने कहा कि कलर जो हो जाए वो क्या हो जाए, आपका रेड हो जाए, सही है। तो ये देखो सिर्फ आइकन का कलर रेड हुआ, हाँ जितने भी बॉडी होंगे आए उसके अंदर हो जाएगा। अच्छा उसका भी हल है, उसका हल ये है कि इसके अंदर आके ना आप बोलेंगे बाई यूट्यूब, लगा हुआ है ना एक क्लास पहले से, मैंने कॉपी किया,
इसके ऊपर, और मैं आगे बोलूँगा कि बजाय इस पर आई लगाने के ना, मैं कहूँगा डॉट बाई यूट्यूब, इसको करो रेड, तो अब सिर्फ ये बाई यूट्यूब होगा। तो सेलेक्टर हमने जो पढ़ा था ना, वो ज़रूरी चीज़ है बहुत। अब अगर आप ये सेलेक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कचरा हो जाएगा फिर सारा, नीचे सारे क्लासेस भर देंगे आप पूरी, है ना। HTML को क्लीन रखने की भी ज़रूरत होती है, वो उसके लिए सेलेक्टर बड़े यूज़फुल रहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मौजूद टेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, तो टेक्स्ट का कलर चेंज करना है ना, वो यहीं से कर दूँगा। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि YouTube जो लिखा वो ब्लैक आए, सही है, तो मैंने कहा कि कलर ब्लैक। अच्छा, ये मैंने पेरेंट के ऊपर कलर ब्लैक बोला है, तो चाइल्ड का कलर ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाना चाहिए, लेकिन उसी की अगली लाइन में मैंने चाइल्ड का कलर रेड बताया, तो चाइल्ड का कलर रेड होगा। जिसका कलर ब्लैक था वो डिफ़ॉल्ट में वो ब्लैक हो जाएगा, बाकी जो है वो देखो यूट्यूब जो है वो ब्लैक हो गया, लेकिन ये आइकन रेड हुआ है क्योंकि मैंने बाद में बताया वो कैस्केडिंग हमने पढ़ा था कि हाउ CSS कैस्केड, तो ये वो वाली बात आ गई, तो ये क्लिकेबल आपका हो गया। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि यार इसके सराउंडिंग में क्या आ जाए, बटन बना हुआ आ जाए, और बटन पे आइकन हो और बटन पे क्लिक पे मैं जाऊँ, तो लिंक बटन बूटस्ट्रैप में हमने पढ़े थे, एक बटन होता है जो लिंक बटन होता है, यानी बटन के अंदर बजाय टेक्स्ट के एक एंकर टैग होता है, तो मैं इसको क्या करूँगा, बटन को रैप कर दूँगा इसके ऊपर ऐसे करके, है ना, ये बटन बन गया, बटन पे क्लिक करने से जा रहे हैं अब, समझ पा रहे हो। अब इमेजिन करो अगर ये आपको एज अ इमेज इसको पास करना पड़ता, देखो कैसे यूट्यूब के साथ और यूट्यूब का आइकन बिल्कुल सेम साइज में आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर आके क्लिक करूँगा ना, कभी भी इसका मैं साइज़ बढ़ाऊँगा, जैसे मैंने कहा कि भाई फॉन्ट साइज़ इसको मैं करता हूँ 1.3 EM करता हूँ, साथ साथ बढ़ा रहा है, कितना सीमलेस है ये। तो ये सीमलेस एक्सपीरियंस के लिए जो है ना, ये फॉन्ट की हम लाइब्रेरीज इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके कि हम फॉन्ट इधर उधर से डाउनलोड करके उसको हम चपकाते रहें, और लाइब्रेरी में जितने भी आइकन्स हैं ना, वो एक सर्टेन साइज़ के आइकन है। कोई आइकन अगर 4-5 आइकन आप लाइन से लगाते हैं तो वो छोटा बड़ा फील नहीं कराएगा आपको, वो एक जैसा फील कराएगा, ठीक है। तो ये हो गया जनाब हमारे पास एक बार SVG लगा के बता दें। SVG लगाना ही नहीं है ना, क्यों लगाना है SVG? कहाँ लगाया हुआ? नहीं, SVG नहीं लगाया हुआ मैंने इस पेज पे, कहीं पे भी SVG नहीं लगाया हुआ। हाँ नहीं, वो मौजूद है। देखो असल में फॉन्ट ये आइकन जो है ना, ये पास्ट में कई मुख्तलिफ तरीक़ों से लगते रहे हैं, तो उन्होंने सब दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। जो सबसे लेटेस्ट वाला और सबसे आसान और जो पर्सनली मैं भी ये वाला यूज़ करता हूँ, वो ये वाला है, सही है। आप अभी यूट्यूब वगैरह पे ट्यूटोरियल्स देखेंगे डिफरेंट जगहों पे, आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, तो आपको ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अच्छा मार्केट में कौन सा। आज से पहले तो पता ही नहीं था ना आपको कि फॉन्ट आइकन भी कोई चीज़ होती है, आप तो इमेज समझते होंगे अच्छा यार छोटी सी इमेज कहीं से डाउनलोड करो लगाओ, अब आपको पता चल गया ना, तो वो कहते हैं ना कि वंस यू हैव सीन इट यू कैन नॉट अनसीन इट एनीमोर, ठीक है। तो जब एक बार आपको कोई चीज़ दिख जाती है ना, तो फिर वो दिखती रहती है। मिसाल ये फ़ोन की स्क्रीन में समटाइम वो को बारीक सा स्पॉट होता है, अभी अब किसी दोस्त को देते हैं, वो कहते हैं अरे इसमें तो ये डॉट वाला ले लिया तुमने, अब वो डॉट ना आप अनसीन नहीं कर सकते, हालांकि आप 6 महीने तो यूज़ कर रहे थे आपको पता ही नहीं था, अब वो जब भी उठाते हैं ना आपको वो हल्का सा एक स्पॉट अंदर नज़र आता है। ये बड़ा होता है आजकल, वो पुराने फ़ोन जो होते हैं ना, वो जो इम्पोर्टेड फ़ोन होते हैं जो किट्स आई भी होती हैं, उसमें ये प्रॉब्लम होता है, ज़ाहिर है वो कंटेनर में दब दबा जाते हैं, कहीं स्क्रीन पर वो स्पॉट आ जाता है, अब आपको नहीं दिख रहा था, वो दोस्त ने दिखा दिया आपको। हाँ, जिस दिन चेहरे पे कुछ नज़र आ गया ना, बस वो हर वक्त नज़र आता है फिर, तो ये आई आपको ना, ये यू कैन नॉट अनसीन इट एनीमोर। हाँ, ये जावास्क्रिप्ट हम अभी पढ़ेंगे ना, तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या चक्कर है, अभी ये समझ नहीं आएगा ना, अभी आप कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाएंगे आप। ये लास्ट में क्यों लगाया ये पूछ रहे हैं, ये हम अभी करेंगे डिस्कस। CDN का लिंक ये मैंने साथ में बच्चा ये लगा दिया है ना, ये देखो ये मैंने लगा दिया ना, ये इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट। अरे भाई कौन सा आइकन की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? आइकन का मैं बता देता हूँ कहाँ से उठाया, कहाँ चला गया वो भी। ये मैं होम पेज पे आ गया, सही है, नीचे देखो ये छोटा सा बटन बना हुआ है इंस्टॉल का,
इस पर क्लिक किया, ये मुझे स्क्रॉल करके नीचे लेके चला गया। ये तीन तरीके इंस्टॉल के, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, ये CDN वाला मैंने तरीका इख्तियार किया। इसको जस्ट आपने कॉपी करना है यहाँ से, और इसको कॉपी करके आपने लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। सर ये तो हम किसी के उसमें क्लाउड पे जाके लाएगा ना? हाँ। तो अगर नहीं तो दोनों तरीके मौजूद हैं, डाउनलोड कर लो। मैंने तो ये बोला है कि तीनों तरीके सही हैं, तीनों में कोई मज़ायका नहीं है। आप डाउनलोड कर लो, वो ज़िप आपको डाउनलोड कर देगा, उन तमाम CSS की फाइलों को आप अटैच कर लो, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है।